एनएसयूआई ने परीक्षा सत्र के दौरान शासकीय कार्यक्रमों के आयोजन का विरोध किया है। छात्र संगठन एनएसयूआई का कहना है कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, धारा 144 लगी हुई है, इसके बाद भी शासकीय कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण किया जा रहा है। परीक्षा सत्र के दौरान शासकीय महाविद्यालयों में विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों से परीक्षार्थी परेशान हो रहे हैं। एनएसयूआई की जगदलपुर इकाई ने जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए इन कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है। शासकीय महाविद्यालय परिसर धर्मपुरा, जिसके आसपास लगभग 11 महाविद्यालय, अध्ययनशाला, विश्वविद्यालय और 13 छात्र छात्रावास मौजूद हैं, इसके विपरीत आचार संहिता लागू है और जिला दंड अधिकारी द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा के अंतर्गत। फिर भी शासन प्रशासन का कार्यक्रम लगातार जारी है और बच्चों को जो परीक्षा चल रही है इसमें विपरीत असर पड़ रहा है। और आज दिनांक में भी जानकारी आई है कि अभी भी वहां पे शासकीय परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसका एनएसयूआई पुरजोर विरोध कर रहा है। बच्चों छात्रावास के हो या दूसरे यूनिवर्सिटीज के हो, दूसरे आप शासकीय कॉलेज के हो, इंजीनियरिंग कॉलेज के हो, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, सभी कॉलेज, जो बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है परीक्षा में, और ये परीक्षा 15 अप्रैल तक जारी है। हम मांग कर रहे थे कि 15 अप्रैल तक, इसके पूर्व में हमने ज्ञापन दे के मांग किया था कि 15 अप्रैल तक आसपास संस्था के आसपास कोई कार्यक्रम ना हो। इसके बावजूद भी शासन ने लगातार शासकीय कार्यक्रम वहां पे आयोजित किया था, पूर्व में छात्रावास के पास किया था, उसको फिर स्थानांतरण हमारे विरोध करने के बाद स्थानांतरण करके पीजी कॉलेज ग्राउंड में कर दिया था। लेकिन अब हम विरोध कर रहे हैं कि शासकीय परिसर में क्यों हो, आप जगदलपुर के किसी अन्य जगह पे उसको कार्यक्रम करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम को अब वहां पे होगी तो एनएसयूआई इसके विरोध करेगी। छात्रों छात्र हित में एनएसयूआई हमेशा खड़ी रही है।